सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रादन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्धलघुत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी विषय के। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। समास का मतलब ही होता है संक्षेप, यानी कि छोटा करना, और मेल की इस क्रिया को हम समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को हम सामासिक शब्द, और मेल की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता, चतुरानन, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात लंबोदर, माता और पिता को माता पिता, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो जो समास होता है 6 प्रकार का होता है। अभी हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे इस तरीके के। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षा प्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। जो हमारे आसपास के अच्छी चीजें घटित होती हैं, जो हमारे आसपास का कल्चर होता है, संस्कार होता है, जो मान्यताएं होती हैं, वो लोक कथाओं के माध्यम से क्या होती हैं? आगे बढ़ती हैं। तो इससे हमें धार्मिक और शिक्षा प्रद भावनाएं, इससे बच्चों के अंदर हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं उनके मस्तिष्क में अपने धर्म के प्रति, सभी धर्मों के प्रति आदर, केवल अपने धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति आदर, और बच्चों को हम ज्ञानवर्धक कहानियां भी इसके माध्यम से हम सुना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाचन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, तो वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। इसी को हम पठन भी कह सकते हैं, पठन भी कहते हैं वाचन को ही। पठन भी 2 प्रकार का होता है, सस्वर और मौन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द किसे कहते हैं? तो अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण के क्या अभिप्राय हैं? तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील रहे। तो गतिविधियों पर आधारित शिक्षण का मतलब होता है कि इस विधि में, शिक्षण की गतिविधि विधि में क्या होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही, शिक्षक कोई कहानी बताएंगे तो भी उसमें गतिविधि होगी, कोई कविता बच्चों को सुनाएंगे तो भी वो गाकर सुनाएंगे या कुछ एक्टिविटी करवाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे भी तो बिजी रहते ही साथ टीचर भी बिजी रहते हैं, तो टीचर बिजी रहते हैं तो बच्चे भी बिजी रहते हैं। इसका ये मतलब है कि दोनों लोग क्या होते हैं? क्रियाशील रहते हैं, और इससे जो पढ़ाई है वो, पढ़ाई की जो तारतम्यता है वो बनी रहती है, शिक्षण कार्य अच्छे से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो विद्यार्थी की गति का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यार्थी किन किन गतिविधियों में भाग लेता है या गतिविधि का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं कि बच्चा बाल सभा में भाग लेता है कि नहीं, विद्यालय की पत्रिकाएं जो आती हैं उसको पढ़ता है कि नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता में वह भाग लेता है कि नहीं, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेता है कि नहीं, इन्हीं सब के आधार पर क्या करते हैं? बच्चों की गतिविधि का मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा बच्चा किस गतिविधि में अच्छा निकलता है। वार्षिकोत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता पर द्वारा मूल्यांकन हम बच्चों का करते हैं। जो गतिविधि आधारित मूल्यांकन होता है वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित होता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जो और भी एक्स्ट्रा करिकुलम है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं विद्यालय में, चाहे वो बाल सभा हो, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हो, चाहे गायन प्रतियोगिता हो, चाहे नृत्य प्रतियोगिता हो, इन सब में बच्चा पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, भाग लेता है कि नहीं, इन्हीं सब से हम क्या करते हैं? बच्चे की गतिविधि का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, गद्य का अर्थ लिखिए। तो जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे क्या होते हैं? पद्य होते हैं। जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं का बंधन नहीं होता है वे गद्य होते हैं। जैसे कि कोई कहानी लिखी हुई है, कोई कथा है, वो सब गद्य में लिखे होते हैं, और पद्य मतलब रस छंद, इसके अलावा कविताएं, ये सब पद्य कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है इसमें उद्देश्य क्या होता है? देखिए, तो वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। सूक्ष्म पाठ के क्या उद्देश्य होते हैं? तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों आदि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त
वाक्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई चार एग्जाम्पल लिखिए। तो उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस तरीके से बता चुकी हूँ। तो उपसर्ग वे शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जब जुड़ते हैं तो उनके अर्थ को क्या करते हैं, ये परिवर्तित कर दें अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दें, तो ये क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि अमर शब्द है, इसमें आ जुड़ गया आगे तो ये अमर हो गया। नैतिक में आगे आ जुड़ गया तो अनैतिक हो गया। क्रमण में आगे जुड़ गया अति तो अतिक्रमण हो गया। आलय में न्याय जुड़ गया तो न्यायालय हो गया। कार में प्र जुड़ गया तो ये क्या हो गया, प्रकार हो गया। मान में अभी अगर जुड़ गया अभी उपसर्ग तो ये क्या हो गया, अभिमान हो गया। इस तरीके से ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामासिक पद किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके परस्पर एक शब्द बनता है और उस शब्द को हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि चाय नाश्ता, चाय और नाश्ता को हमने क्या कर दिया, चाय नाश्ता कर दिया। रोजी और रोटी को रोजी रोटी, इस तरीके से एक सामासिक चिन्ह लगा करके। पढ़ाई और लिखाई को पढ़ाई लिखाई कर दिया, इस तरीके से। तो सामासिक पद क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को हम क्या करते हैं, संक्षेप में मिला करके संक्षेप में लिख देते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा था आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 बताया था कि अभी आपको समास के प्रकार भी देखने को मिलेंगे। तो समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए केवल 4 ही प्रकार दिया है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, इसके अलावा दीर्घ समास और कर्मधारय समास। ये सारे के सारे आपको भी इसके एग्जाम्पल भी मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हो पांचवा और छठवां भी, इनके भी ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये दोनों मिस हो गए हैं। तो ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार के समास होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। कितना आसान है संज्ञा का, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में कहीं कहीं केवल और केवल 3 ही संज्ञा जो है वो दी गई है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक दी ही नहीं गई है। लेकिन यहाँ पर आपको इन सबको याद रखना है, मुख्यतः 5 प्रकार की ही संज्ञा होती है। ये मैंने आप लोगों को पवन सीरीज में भी बताया है, 5 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो सर्वनाम शब्द कहाँ प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसी को, इत्यादि। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, वह रोज अपना काम पूरा करता है। तो जो वह शब्द आया, वो किसके लिए आया, राम के लिए आया ना। तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में यही पूछा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर देखिए, कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में। रचना के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्रिया 4 प्रकार की होती है रचना के आधार पर, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत मतलब तेज पढ़ना, यानी कि बहुत ही फास्ट। द्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना, अर्थात पढ़ना। यानी कि कम से कम समय में हम कितनी स्पीड में पढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज स्पीड को। द्रुत मतलब होता ही है तेज, यानी कि तेज पढ़ना, बहुत ही फास्ट। यहाँ पर आवाज से आप वो मत सोचिएगा कि तेज आवाज में पढ़ना, तेज आवाज नहीं बल्कि बहुत ही स्पीड में पढ़ना, यानी कि एक पेज को आप कितने स्पीड में पढ़ ले रहे हो, यही है द्रुत पाठ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही क्या है, अभिव्यक्ति कहलाती है। इसे हम मौखिक अभिव्यक्ति भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है और यही क्या अभिव्यक्ति है। तो अगर हम अपने भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर रहे हैं अपने मुख से बोल करके, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। और अगर हम लिख करके प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो कहानी के माध्यम से, चाहे वो निबंध के माध्यम से, तो वो क्या हो गई, वह लिखित अभिव्यक्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए।
तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा पर चर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि क्या है? ये सब लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। लिख करके हम क्या करते हैं, इन सब विधाओं के माध्यम से हम लिख करके अपने मन के भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति भाषा का स्थायी रूप होती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो हमारे वेद पुराण हो, चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे जो लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, उनको हम तभी पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको लिख दिया था। अपने मन के भावों, अपने विचारों को उन्होंने लिखा था, तभी आज हम पढ़ पा रहे हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति का क्या फायदा है कि इसको हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, अक्षर का अर्थ बताइए। तो जो नाशवान ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अक्षर का अर्थ ही होता है जो नाशवान ना हो, जो कभी नष्ट ना होता हो, और अक्षर से मिलकर के ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे कि क, म और ल अक्षर से मिलकर के क्या बना, कमल बना। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिख कर प्रकट किया जाता है। ध्वनियों को संकेत चिन्हों के रूप में लिख कर प्रकट किया जाता है, यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। यानी कि वर्ण के टुकड़े हम नहीं कर सकते दोस्तों, वर्ण के टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शब्द की परिभाषा लिखिए। तो व्यक्ति के विचारों के प्रतीकों के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या वर्णों के मेल को भी हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णनात्मक शब्द। क्वेश्चन नंबर 30 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो आदर्श वाचन का मतलब होता है कि शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। इसमें हर बात का ख्याल रखा जाता है कि उचित लय सुर ताल में जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विरक्ति और निस्सीम का असीम। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका ये क्या है, चिन्ह है, जैसे आह खीर बहुत अच्छी बनी है, वाह क्या दृश्य है। तो इस तरीके से हम किसका प्रयोग करते हैं, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सम उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के लिखिए। और सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2019 में पूछा गया है। तो संगीत में देखिए, सम गीत में सम उपसर्ग लगा तो संगीत बन गया, मान में सम उपसर्ग लगा तो सम्मान बन गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद है। इसके अलावा इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था मंगलसूत्र, जो की अधूरी रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने भावों में प्रयोग करिए। तो अंधे की लकड़ी होने का मतलब है एकमात्र सहारा। जैसे कि रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का। प्रसंग उचित, दो शब्दों से मिलकर के बना है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो क और श से मिलकर के बना है छ। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो द्रुत मतलब शीघ्रता से, यानी कि तेजी से पढ़ना। देखिए 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 41 है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले वचन होता क्या है? तो संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से उसके उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं।
और हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और लिंग भी दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिंग की परिभाषा दीजिए, यानी कि लिंग किसे कहते हैं। तो देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग भी कहते हैं। दोस्तों जो लिंग शब्द होता है इससे उस शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता है। और जो लिंग होता है यह दो प्रकार का होता है, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस प्रकार से आपने वचन देखा है एक वचन और बहुवचन होता है, उसी प्रकार से लिंग भी दो ही प्रकार का होता है हिंदी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कि कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े अथवा बोले। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। दोस्तों शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं, आपको पता ही है। शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, पदक्रम का क्या अर्थ है। शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। दोस्तों तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं इन्हें किसी अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है बोलने के लिए, और जो व्यंजन होते हैं इन्हें स्वरों की सहायता से ही हम बोल सकते हैं। तो स्वर और व्यंजन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया कि स्वर को बोलने के लिए हमें किसी अक्षर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश मतलब भाग होता है और अंश मतलब कंधा होता है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण के सहयोग की आवश्यकता ना हो। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उत्थान का होता है पतन, और मूक मतलब जो बोलता नहीं, तो जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल। तो इसका विलोम क्या हो गया, वाचाल। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आजन्म, आगमन, आकाश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 53 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेटर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है, औपचारिक लेटर होता है और अनौपचारिक होता है। औपचारिक में ऑफिशियल लेटर होते हैं जो हम ऑफिस में भेजते हैं, और जो अनौपचारिक होते हैं जो अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं, अपने परिवार में भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतिफल, प्रतिकार, ये सब प्रति उपसर्ग के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ईसा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है। तो लंग लकार है। क्यों लंग लकार है, क्योंकि ईसा ने पत्र पढ़ने का काम कर लिया है, ये काम हो चुका है भूतकाल में, तो इसीलिए लंग लकार में है। 2016 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेष विशेष्य का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कथन या आख्यान। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वनाम के दो एग्जाम्पल लिखिए। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं।
हम आप मैं तुम वह वे उन्होंने इसने किसने किसी को इत्यादि, यही इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए, तो प्रचार, प्रसार, प्रकार, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे, मैंने आपको बताया भी है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि लौकिक में, अगर लौकिक में कौन सा प्रत्यय पीछे लगा हुआ है? इक है। मित्रता में ता लगा हुआ है, मित्रता। दोस्तों प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 63 है, काल कितने प्रकार के होते हैं अथवा काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 64 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। दोस्तों मौन वाचन के उद्देश्य में पहला है, दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। यानी कि मौन वाचन का मतलब कि हम मन में पढ़ते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं जो आसपास हमारे बैठा होता है। दूसरा है अवकाश के क्षणों का उपयोग करना, यानी कि छुट्टी का समय होता है उसमें भी हम आसानी से कोई बुक पढ़ सकते हैं, मौन वाचन द्वारा किताबें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उनके भेदों का उल्लेख कीजिए अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं एग्जाम्पल सहित लिखिए। 2017 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। जो शब्द संज्ञा या संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाए इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति ए है अमन और ये कोई व्यक्ति है बी बलराम, तो अमन बलराम से बात कर रहा है और अमन बलराम से बात कर रहा है तो अमन अपने आप को क्या समझेगा? मैं समझेगा, ठीक है। और बलराम अपने आप को क्या कहेगा? जो अमन है वो बलराम को क्या समझेगा? तुम। और ये दोनों मिलकर के किसी अपने तीसरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं जो तीसरा है उसको कैसे संबोधित करेंगे? अगर इसका इनका तीसरे फ्रेंड का नाम राम है जो सी है, या मान लीजिए चंदन है इसका नाम, तो अगर इसका नाम चंदन है तो ये जो अब ए है ये ए क्या कहेगा बी बलराम से? अमन कहेगा बलराम से कि जो चंदन है वो बहुत अच्छा लड़का है और वह दिल्ली में रहता है। तो ये जो वह है ये किसके लिए आया? ये चंदन के लिए ही तो आया है। तो यहाँ पर देखिए, अमन, बलराम और चंदन, अमन और बलराम आपस में बात कर रहे हैं लेकिन यह बात किसके बारे में कह रहे हैं? चंदन के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो उत्तम पुरुष होता है, जो पुरुष सर्वनाम होता है, इसमें तीन प्रकार बताया गया। तो जो उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, यानी कि बोल कौन रहा? अमन, तो ये मैं और हम में प्रयोग हो गया। अब मध्यम पुरुष जिसे बोला जा रहा है, तो अगर कुछ भी बोलेगा अमन बलराम को तो तुम तो लगाएगा ही उसके सामने, तो तू, तुम, आप, इनमें से कुछ भी वो यूज करेगा तो तू, तुम, आप, ये किस में हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष में चला जाएगा, बलराम। और जो अन्य पुरुष है जिसके विषय में बोला जा रहा है, जैसे कि वह, वे, उसने, उन्होंने, तो ये सब किस में चला गया? ये जो तीसरे व्यक्ति के विषय में वो बोल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, आदि उपसर्ग लगाकर चार शब्द बनाइए। तो आदि उपसर्ग लगाने से चार शब्द अधिधनपति अधिपति, अधिधन नियम अधिनियम, अधिधन इन अधीन, अधिधन स्थाता अधिष्ठाता। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए कोई दो एग्जाम्पल दीजिए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ना तो क्या हो गई? क्रिया हो गई, लेकिन वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये तेज शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। पिताजी घूमने जा रहे हैं, जा रहे हैं तो ऑलरेडी ये क्रिया हो रहा है, लेकिन इसमें घूमने, जा कहाँ रहे हैं? घूमने जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुलिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का पुलिंग होगा विदूषक और तपस्विनी का पुलिंग होगा तपस्वी। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो प्रिया होता है इसका, बुद्धिमान इस तरीके से लिखते हैं हम श्रीमती में, त पर बड़ी की मात्रा होगी, और उत्सव इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित लिखिए। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष अवस्था या दशा का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अभी उपसर्ग लगाकर कोई चार शब्द बनाइए। अभी उपसर्ग तो वादन में लगेगा तो अभिवादन हो जाएगा, इष्ट में लगेगा अभी तो अभीष्ट हो जाएगा, मान में लगेगा तो अभिमान हो जाएगा, अर्थी में लगेगा तो अभ्यर्थी हो जाएगा। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, इसीलिए बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि कहानियों से उन्हें जैसा चीजें सीखने को भी मिलती है, उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, और एक एक्साइटमेंट होती है कहानी में जानने की कि आगे क्या हुआ। दोस्तों आप लोगों के सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हर विषय के मास्टर क्लास की लिंक आप देख लीजिएगा क्लिक करके। मास्टर क्लास अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज देख करके जाइएगा, क्योंकि हर एक विषय की मास्टर क्लास पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक ही वीडियो में खत्म कर दिया आपने बना करके, और ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आप चाहते हो एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आना तो आप सभी लोग प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं सब वीडियोस को पढ़ करके आपके जो सीनियर्स थे वो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मास्टर क्लास की वीडियोस को देखेंगे और अपनी तैयारी को उससे और बेहतर करेंगे। सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 74 है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का क्या होना चाहिए, प्रमुख कौशल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कहानी का महत्व बताइए। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, और कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो आप सारे विषयों को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर भी आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। जय दोस्तों।